आज हम बनाने जा रहे हैं मोहब्बत का शरबत, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रखा है इंटरनेट पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बना करके देखें आखिर इसमें क्या ऐसी बात है। तो जब मैंने इसे अपने घर पे बनाया, तब जाकर के मुझे ये पता चला कि इसे मोहब्बत का शरबत क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इस शरबत को पीते हो ना, तो आपको इस शरबत से सच में मोहब्बत हो जाती है। और इसे बनाना ना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये पता करते हैं कि इस मोहब्बत के शरबत को कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए एक वाटरमेलन। तो मैंने यहाँ पर एक वाटरमेलन ले लिया है। फिर आपको ना इसे कट करना है। तो मेरे पास बड़ी वाली जो चाकू होती है ना, बड़ा वाला चाकू, वो तो था नहीं, तो मैंने इसे छोटे वाले चाकू से कट कर दिया। इस तरह से हाफ में कट करना है। एंड हाफ में कट करने के बाद ना, आपको इसमें से जो ये वाटरमेलन रहता है ना, मतलब ये जो एक्चुअल में खाते हैं ना पार्ट, तो ये खाने वाले पार्ट को ना आपको यहाँ पर अलग कर लेना है। तो इसे ना आपको इस तरह से क्यूब्स में काट करके अलग करना है, क्योंकि ये क्यूब्स आगे आप ये समझ सकते हो कि हमें काम आने वाले हैं। तो मैंने इन क्यूब्स को काट करके अलग कर दिया है। तो इसे काट करके ना हमें जो ये मेन जो खरबूजा रहता है ना, उसे खाली करना है। अब खाली हमें उसे इसलिए करना है बिकॉज हम इसी में शरबत बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है वाटरमेलन। इसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है, मतलब जो भी आपके इसमें बीज रहेंगे ना, उन्हें आप निकाल देना। अब मेरे पास हैंड मिक्सर नहीं था, तो मैं इससे मिक्स कर रही हूँ। तो आपको इसे उतना मिक्स करना है जितना कि हो सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे मिक्स करके इसकी जूस ही बना देनी है, बट अच्छा खासा मिक्स कर लेना है, ठीक है। इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम ना डालेंगे इसमें आइस, क्योंकि गर्मियाँ तो वैसे आ ही नहीं रही है, बट हमें ठंडे शरबत पसंद है, तो हम इसमें आइस डालने वाले। देन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रू अफ़ज़ा। मेरे पास रू अफ़ज़ा नहीं था, तो मैं इसमें कोई सा भी शरबत डाल रही हूँ। आप कुछ भी शरबत डाल सकते हो, ठीक है, मतलब रोज़ वाला जो शरबत आता है ना वो। इसके बाद हम यहाँ पे डालने वाले हैं दूध। तो यहाँ पे आप एक गिलास दूध ले सकते हो या फिर डेढ़ गिलास दूध ले सकते हो। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर, बिकॉज कलर से नहीं दिखता बहुत अच्छा है। कलर जो है एकदम ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो इसे ऐसे ही भी रहने दे सकते हो। तो फिर इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो हमारा मोहब्बत का शरबत है ना, वो तैयार है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि ये ग्लासेस में बांटते टाइम गिरे बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें ना हम इसे बनाते टाइम ना, एक ग्लास में वाटरमेलन के छोटे छोटे क्यूब्स को ना ऐड कर देने वाले हैं। इस वजह से मैंने आपको ना इन्हें क्यूब्स में कटवाया था। तो इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसे सर्व किया, तो सर्व करते टाइम भी ये गिर गया। मतलब मैंने इतना ट्राई किया कि ना गिरे, उसके बावजूद भी नहीं, ये गिर ही गया। तो ये है हमारा मोहब्बत का शरबत, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना अपने घर पे, और ट्राई करने के बाद यहाँ पे आके आप खुद ब खुद कमेंट करोगे कि दी ये वाला जो शरबत आपने बताया नहीं, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाई।